गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम शुरू करते हैं हिंदी पद्य में सूरदास पद का चौथा पद्यांश। मैं अपनी सब गाय चले हूं। तो पहले इसकी मीनिंग देख लेते हैं हम सब लोग। मैं सिंपल सा वर्ड है, मैं भाषा वैसे बहुत प्यारी भाषा और बहुत साधारण सी भाषा है। मैं अपनी सब गाय चले हूं, ऐसे ही पूरा स्पष्ट है। प्रात होत बल, यहाँ के जो बल शब्द आया है वो बलदाऊ के लिए है। बलदाऊ कौन? श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम। के संग जइहो तेरे कहे न रहियो, बाल बाल गायन के भीतर। गाय मतलब गाय, नैतो मतलब होता है तनिक, थोड़ा भी तनिक थोड़ा भी डर नहीं लागत मतलब लगता है। आज न सोमो, सोमो मतलब सोना आराम करना। नंद दुहाई, यहाँ दुहाई शर्त है शपथ या कसम से, शपथ या कसम से। रैन मतलब रात, रहूंगा मतलब रहूंगा, जागत मतलब जागना। और बाल सब गाये चरही हैं, मैं घर बैठे रही हूँ, सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में रही हूँ। तो वर्ड मीनिंग तो उसकी बहुत आसान है। ये तब की बात है, ये पद्यांश श्री कृष्ण और माता यशोदा के बीच श्री कृष्ण द्वारा किए गए बाल हट को दर्शाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी सब गाय चरही हूं। श्री कृष्ण भगवान माता यशोदा से जिद करते हुए कहते हैं कि हे मैया, मैं अपनी सभी गायों को स्वयं चराऊंगा, स्वयं चराने जाऊंगा। प्रात होत बल कै संग जइहो तेरे कहे न रहियो। प्रात हो, सुबह होते ही, बल मतलब बलराम या बलदाऊ के साथ, जइहो मतलब मैं जाऊंगा, तेरे मतलब माता यशोदा के लिए कहा गया है, तेरे कहने पर भी नरिनो मतलब नहीं रुकूंगा। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे माता, सुबह होते ही बलराम के साथ मैं वन को चला जाऊंगा, तेरे कहने से भी रुकूंगा नहीं। ग्वाल बाल गायन के भीतर, ग्वाल बाल अर्थात वहां के जो ग्वाले थे, श्री कृष्ण के मित्र भी थे, और गायों के भीतर मतलब बीच में, नैकू मतलब तनिक भी डर नहीं लगता है। मुझे ग्वाल बाल और गायों के बीच में तनिक भी डर नहीं लगता है। आज न सोगो नंद दुआई, मैं आज रात को नहीं सोऊंगा, मैं बाबा नंद की दुआई देता हूँ, बाबा नंद की कसम खाता हूँ कि आज रात को मैं नहीं सोऊंगा, रैन रहूंगो जागत, सारी रात मैं जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरेंगे, सभी ग्वाल वाले गाय चराएंगे, और क्या मैं घर में बैठा रहूंगा। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में बिंदु। माता यशोदा सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि हे पुत्र, तुम अब सो जाओ, मैं प्रातः तुम्हें अवश्य जाने दूंगी। ये तो मैं एक एक अर्थ बता रहा था, अब हम पूरा हिंदी में साथ इसका अर्थ देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं अपनी सब गाय चराई हूं। तो श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे मैया, मैं अपनी सभी गायों को चराऊंगा, सुबह होते ही मैं बलराम के साथ वन को चला जाऊंगा, और तेरे कहने से भी नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल और गायों के बीच में मुझे थोड़ा भी डर नहीं लगता है। मैं बाबा नंद की कसम खाता हूं कि आज रात मैं सोऊंगा नहीं, सारी रात मैं जागता रहूंगा। सारे ग्वाल बाल गाय चराने वन में जाते हैं, क्या मैं घर में बैठा रहूंगा। सूरदास जी कहते हैं, माता यशोदा कहती है, हे पुत्र, अब तुम सो जाओ, मैं तुम्हें सुबह अवश्य जाने दूंगी। संदर्भ जैसा आपको बताया जा चुका है पूर्वत रहेगा, एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड, सॉरी हिंदी खंड काव्य के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि सूरदास जी हैं। प्रसंग प्रसंग में मैंने हमेशा बताया कि जो पद्यांश है उसका निचोड़ लिखना होता है कि किस बारे में कहा गया, बताया गया है। तो आपने देखा कि यहाँ पर श्री कृष्ण के द्वारा यशोदा मैया से बाल हट के बारे में बताया गया है। तो प्रसंग की शुरुआत करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में
श्री कृष्ण के द्वारा सभी गायों को वन में स्वयं चराने की बालहट का वर्णन किया गया है। काव्य का सौंदर्य पे आते हैं। मैंने जैसा बताया पद चैप्टर में जितने भी पद्यांश है सबकी भाषा है ब्रज शैली, मुक्तक, रस, जहां माता पिता के द्वारा पुत्र के प्रेम का वर्णन होगा, हट का वर्णन होगा, यानी माता पिता और पुत्र के बारे में ही वर्णन मिलेगा, वहां वात्सल्य रस, जहां पर रस वात्सल्य या श्रृंगार होगा वहां पर गुण माधुर्य होगा, छंद गयात्मक गीतात्मक गेय छंद, ये एक ही नाम है, चाहे आप जो लिखिए गीतात्मक गेय छंद या गयात्मक, हम कुछ भी लिख सकते हैं, गेय छंद है। अलंकार की बात करते हैं तो अलंकार के लिए मैंने पहले से टिक कर रखा था आपको बताने के लिए, ग्वाल बाल में ला वर्ण, रैज रहोंगों में रा वर्ण और सूर श्याम में सा वर्ण की पुनरावृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। फिर से देख लीजिए, ग्वाल बाल में ला रैनी रहोंगे, रैनी रा हाँ, गो में रा और सूर श्याम में सा वर्ण की पुनरावृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले पद पांचवी की तरफ।